बोलो हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपके चरणों में आती हूँ, आता हूँ आज आपके दास के द्वारा जो वचन मिले वो मेरे शरीर पर आत्मा में बस जाए और मैं 100 गुना फल लाऊं और आपकी सेवा के लिए महिमा के लिए इस्तेमाल हो। धन्यवाद के साथ जब हम ये प्रार्थना करते हैं प्रभु, तो अपने सामर्थ्य अभिषेक से आपके दास को भी अभिषेक करना, ताकि हम सब उस अभिषेक के भागी हो और बड़े और अद्भुत काम हम भी कर पाए। धन्यवाद के साथ हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। बोलो हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम मांगते हैं। आमेन हल्लेलुया, आमेन, आमेन हल्लेलुया, थैंक यू जीसस हल्लेलुया, आमेन हल्लेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा हल्लेलुया। गौरव भाई ने जो भजन संगीता 91 पढ़ा, उसमें हमने क्या सीखा कि हम जो है परमेश्वर के शरण स्थान में, कहा है जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम कहां पर हैं? हम परमेश्वर के शरण स्थान में, कहां पर हैं? परमेश्वर के, बोलो परमेश्वर के शरण स्थान में, हल्लेलुया। और जब आप परमेश्वर के शरण स्थान में हैं तो आपको किसी भी बात से डरने की जरूरत नहीं है, किसी बात की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हल्लेलुया, हल्लेलुया, यीशु मसीह के नाम की महिमा। आज से लगभग 3000 साल पहले क्या हुआ, 3000 साल पहले से 3200 साल पहले लगभग ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने जो है अपने लोगों की दुहाई सुनकर क्या किया, उनको छुड़ाया अपने दास के द्वारा। अपने दास के द्वारा क्या किया परमेश्वर ने, 20 लाख इसराइलियों को छुड़ाया। हल्लेलुया, हल्लेलुया। और उसके बाद वो मिस्र से जब वो चले गए तो उसके बाद कहां गए, कनान देश में। कनान देश में जो परमेश्वर ने अब्राहम से जो है वाचा बांधी थी कि मेरे जो 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 कुटुंब होगा, जो मेरा परिवार होगा, जो मेरे बच्चे संतान होगी, वो कहां होगी, कनान देश में, जहां पर दूध की और शहद की नदियां बहती हैं, दूध और शहद की नदियां बहती हैं। मैं उस स्थान को देखकर आ चुका हूं, वाकई में बहुत ब्यूटीफुल जगह है वो। हल्लेलुया। 2017 में गौरव भाई, मम्मी, हम परिवार से जो है इसराइल गए, हमने देखा बहुत 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 ब्यूटीफुल जगह है वो। हल्लेलुया। और उस वो जो जगह जो है परमेश्वर ने जो आशीष दी है, हल्लेलुया, हल्लेलुया, वो उस बात को दर्शाती है कि जो परमेश्वर हमारे साथ वाचा बांधते हैं, जो परमेश्वर हमें वायदा करते हैं, उसको पूरा करने वाले परमेश्वर है वो। हल्लेलुया, वो उसको पूरा करने वाले परमेश्वर है। हल्लेलुया। हुआ क्या कि मिस्र में क्या हुआ, 430 साल जो है इसराइलियों को क्या गुलाम बन के रहना पड़ा, क्योंकि वो परमेश्वर से दूर हो गए, परमेश्वर से दूर हो गए, पाप में फंस गए, पाप भरी जिंदगी वो बिताने लगे, परमेश्वर की आज्ञाओं से दूर हो गए, तो परमेश्वर का जो दंड उनके ऊपर आया वो बंधुआई में चले गए, गुलाम बन गए, मिस्र देश में गुलाम बन गए। हल्लेलुया। जबकि परमेश्वर की चुनी हुई जाति थी वो, कितने जन ध्यान से सुन रहे, जबकि वो परमेश्वर की चुनी हुई जाति थी, चुनी हुई जाति का होने का मतलब है कि परमेश्वर ने आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी है, कुछ काम दिए करने के लिए। हल्लेलुया, हल्लेलुया। जैसे नए नियम में यीशु मसीह ने हमें काम दिया है कि तुम जाओ जगत के लोगों को चेला बनाओ। हल्लेलुया। जाति जाति के लोगों को क्या क्या करो, चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, वो सब आज्ञाएं जो मैंने तुम्हें सिखाई है उन्हें मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारे संग हूं। हल्लेलुया। ये वाचा है, ये आपके लिए जो है परमेश्वर ने एक आपको वायदा किया है कि तुम परमेश्वर के जो काम को करोगे, तुम चुनोए जनों, और परमेश्वर का ये वादा है, ये वाचा है आपके साथ कि वो कभी भी तुम्हें ना छोड़ेंगे, ना कभी त्यागेंगे, वो जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग है। हल्लेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा। हल्लेलुया। हम पढ़ेंगे निर्गमन उसका 6 अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ेंगे। हल्लेलुया। एक्सोडस चैप्टर 6 वर्स 5।
इसमें लिखा है इजरायली जिन्हें मिस्र मिस्री लोगों ने दास्तव में रखा था उनका कराना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया। हल्लेलुया हल्लेलुया, मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया। मेरे लिए जब पढ़ दीजिए, इसराइली जिन्हें मिस्री लोग दास्तव में रखते हैं उनका कराना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। हल्लेलुया हल्लेलुया। अलीजा मैंने क्या पढ़ा कि दास्तव में रखते हैं, मैंने क्या पढ़ा था दास्तव में रखते थे। हल्लेलुया। और परमेश्वर ने क्या किया, अपनी वाचा को स्मरण किया, अपनी वाचा को स्मरण किया। आगे पढ़िए मैं, इस कारण तू इसराइलियों से कह मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तव से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। हल्लेलुया, क्या करूंगा, भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। किसको भारी दंड देकर, जिसने गुलाम बनाया हुआ है, जिसने आपको गुलाम बनाया है। अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले जन है, अगर आप परमेश्वर की बाट जोहने वाले जन है, हल्लेलुया, अगर आप परमेश्वर से प्रार्थना करने वाले जन है तो कुछ भी करके, हल्लेलुया, परमेश्वर आपको छुड़ा लेंगे। चाहे जिसने आपको गुलाम बनाया हुआ है किसी भी बात में, उसको चाहे दंड देना पड़े। हल्लेलुया। और नए नियम में हमने क्या पढ़ा है कि हमारा जो युद्ध है, मल्ल युद्ध किसके साथ है, मांस और लहू से नहीं है, किससे, शैतान से, दुष्ट आत्माओं से, अंधकार की शक्तियों से, अंधकार के हाकिमों से हमारा जो मल्ल युद्ध है। हल्लेलुया। और यीशु मसीह ने क्या कहा, मैं शत्रु की सारी सामर्थ्य पे तुम्हें क्या देता हूं, अधिकार देता हूं। कितने जनों को अपने अधिकार के बारे में पता है, कुछ चंद लोगों को, और कुछ लोगों को, चंद लोगों को जिनको पता भी है वो भी उनको याद नहीं है क्योंकि शैतान भुला देता है। शैतान का क्या काम है, गवाहियों को भुला देना, जो परमेश्वर के किए हुए उपकार हैं उन पे क्या कर देना, पर्दा डाल देना, बुद्धि में बैठ जाना, पाप की बातों को कराना, ताकि जो परमेश्वर का किया उद्धार है वो आपके जीवन में ना आ पाए। हल्लेलुया। शैतान क्या चाहता है कि आप में से कोई भी जन जो है स्वर्ग में ना जा पाए। दुष्टात्मा क्या चाहती है, चाहे वो किसी भी रिलीजन का हो, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, है ना, ईसाई हो, कोई भी जन हो, ये जो रिलीजन बनाए हैं ना, रिलीजन ये मनुष्य ने बनाए हुए, ये परमेश्वर ने नहीं बनाए रिलीजन, परमेश्वर ने कोई भी रिलीजन नहीं बनाया। परमेश्वर चाहते हैं कि कोई भी जन नाश ना हो। यूहन्ना उसका तीसरा अध्याय छठी सोलहवीं आयत में क्या लिखा है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो भी कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन का मतलब स्वर्गीय जीवन, अनंत जीवन यानी कि स्वर्गीय जीवन, यानी कि नरक से आपको बचा लिया। हल्लेलुया। एक होता है पेनल्टी और एक होता है रिवॉर्ड। हल्लेलुया। यहां पे एक भाई है जिसको 8 साल की सजा होनी थी और 5 लाख रुपए जुर्माना पड़ना था उसको। हाथ दिला दो, होना था ऐसा, क्या नाम है तुम्हारा, रवि, 8 साल की सजा होनी थी और 5 लाख रुपए जुर्माना होना था। सारी प्रॉपर्टी वगैरह सब कुछ बेचने के बाद भी जब जुर्माना पे भी कर देते तब भी 8 साल की सजा होनी थी। वो कैसे पता है, क्योंकि जज ने ऑर्डर शायद कर दिए होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी वो किससे कनेक्टेड थे, परमेश्वर के एक जन से कनेक्टेड थे, सोनू भाई से कनेक्टेड थे वो। हल्लेलुया। और परमेश्वर के उस बेटे ने क्या किया, गाइड किया, स्पिरिचुअल गाइडेंस दी कि तू मेरे पास आ जा और मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, तेरी सजा माफ हो जाएगी, मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा, तेरी सजा माफ हो जाएगी। हल्लेलुया। ये विश्वास था उस भाई का जो जिसने स्पिरिचुअल गाइडेंस दी थी कि मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगा और तू मेरे पास आ जा, क्योंकि सोनू भाई को पता था कि जब वो चर्च में आ जाएगा तो उसके क्या हो जाएगा,
वो शरण परमेश्वर के शरण स्थान में वो व्यक्ति आ जाएगा, हालेलुया, और उसकी सजा क्या हो जाएगी, माफ हो जाएगी, पेनल्टी माफ हो जाएगी, हालेलुया। जब हमारे जीवन में उद्धार नहीं होता तो हमें वो डेथ पेनल्टी, परमानेंट अनंत काल की डेथ पेनल्टी देनी होती है। जो हमारी आत्मा है वो अनंत काल के लिए मृत्यु को एक्सपीरियंस करती है, हर रोज उस मौत को जो है देखना पड़ता है, उस आत्मा को जिसका उद्धार नहीं हुआ, जिसको सेल्वेशन नहीं मिला, जिसको मोक्ष नहीं मिला, मुक्ति नहीं मिली, हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वर्ग की महिमा छोड़कर इस पृथ्वी पर जन्म लिया ताकि हमारे पापों का दाम चुकाया जा सके, हमारे पापों का दाम चुकाया जा सके। हम अपने आप से अपने आप का उद्धार नहीं कर सकते थे, हम अपने आप से अपने आप का उद्धार नहीं कर सकते थे, हालेलुया। और उस उद्धार के लिए क्या किया, उन्होंने अपने आप का बलिदान किया, अपने आप का जो है अपने अनंत काल के लहू का क्या किया, बलिदान दे दिया, अपने पवित्र लहू को बहा दिया। और वचन में लिखा जितना ने उस पर विश्वास किया वो उन पर दंड की आज्ञा नहीं है, उनके पर दंड की आज्ञा नहीं है, मतलब उनके पाप क्षमा हो गए। आप कितने सारे पापों को अपने याद कर सकते हो, वो सिर्फ आपकी जो छोटी सी बुद्धि है उससे थोड़े से पाप आपके याद आ सकते हैं, लेकिन जो स्वर्गीय रिकॉर्ड्स में जितने पाप पूरी लाइफ आपने किए वो सारे लिखे हुए हैं, वो सारे लिखे हुए हैं, और जो आप आगे आने वाले करोगे वो भी लिखे जाएंगे अगर आप करोगे तो, हल्लिया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू बहाए जाने पर क्या हुआ, हम उसको जब क्लेम करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों के लिए, मेरे उद्धार के लिए क्या किया, अपने आपका बलिदान किया। तो जब हम इस बात को जब परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है, हमारे सारे पाप धोकर शुद्ध हो जाते हैं, हालेलुया। और फिर क्या है, हमें उस उद्धार को थाम के रखना है, उस उद्धार को क्या करना है, थाम के रखना है, हालेलुया। जिस प्रकार से मान लीजिए आपने आपको कोई जो है लॉटरी निकली और आपकी जो है कोई एक बहुत बड़ी कार आपको मिल गई, ठीक है, अब आप गाड़ी को रखोगे कहां पर, बड़ी कार, बड़ी गाड़ी, लग्जरी कार आपको मिल गई, ठीक है, उसको चलाओगे कैसे, वो आपको सीखना है। बड़ी आशीष आपको मिल जाएगी बहुत जल्दी, कोई बड़ी बात नहीं है परमेश्वर के लिए, हालेलुया। लेकिन उस आशीष को आपने संभालना है, उसको संभालने के लिए सीखना है आपने। बड़ी चंगाई आपको मिल जाएगी, अगर कोई भी जन बीमार है तो बड़ी चंगाई आपको मिल जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस चंगाई को संभाल के रखने का जिम्मेवारी आप खुद को लेनी पड़ेगी, आपको लेनी पड़ेगी जिम्मेवारी, इसकी आपको सीखना पड़ेगा कि कैसे उसको, उस आशीष को हम संभाल के रखें, उस छुटकारे को, उस चंगाई को कैसे हम संभाल के रखें, वो आपकी जिम्मेवारी होगी, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा, हालेलुया। और यहां पर क्या हुआ, जब 20 लाख इजरायली क्या थे, जब गुलाम थे, तो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर की दुहाई दी, परमात्मा की क्या की दुहाई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर से प्रार्थना की, पश्चाताप किया कि हे परमेश्वर हमारे पूर्वजों ने जो पाप किए उसकी वजह से क्या है, वो सारे जनरेशन वाइज जनरेशन सारे क्या हो गए, गुलाम रहे। 16-16 घंटे उनको क्या करना पड़ता था, एक टाइम का खाना खाके, मिस्र के लोगों की जो झूठन था कि उनको अपने जीवन को विनीत करना पड़ता था, जो बीमारी में लोग होते थे उनको भी काम करना पड़ता था, और वो बीमारी में मर जाया करते थे तो उनको कोई दफनाने के लिए या उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी कोई नहीं होता था, वो डेड बॉडी वहीं पड़ी पड़ी सड़ जाती थी, कुत्ते बिल्ली चील कौए उनको खाते थे उसकी लाश को, क्योंकि वो गुलाम थे, हल्लिया, बहुत बुरी हालत थी उनकी। और क्या, जो कोड़ी हो गया उसको और मारा जाना, उसको और साइड में करके, उसको जो मरने वाला उसकी भी कोई देखभाल करने के लिए नहीं होता था, अगर कोई देखभाल करने के लिए आता था तो उसको क्या, उसको भी उसकी पिटाई करके उसको भेज दिया करते थे, किसका कोई इलाज नहीं है तुम अपना काम करो, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है तुम अपना काम करो। तो उस बंदवाई से वो क्या कर रहे थे, उन्होंने पश्चाताप किया, परमेश्वर से पश्चाताप किया कि परमेश्वर मुझे, हमें जो है 20 लाख इसराइलियों को क्या करो, आप हमें छुड़ाओ, हमें छुड़ा लो, हम इस गुलामी में मरना नहीं चाहते।
और 430 साल जब हुए तब परमेश्वर ने क्या किया, अपने दास को, जब उन्होंने जब कराते हुए प्रार्थना की तो अपने दास को मूसा को क्या किया, परमेश्वर ने खड़ा किया वहां पे, हालेलुया। और परमेश्वर की आज्ञाओं को उन्होंने क्या किया, माना, हालेलुया। यहां पे छठी आयत द्वारा पढ़ दीजिए, इस कारण तू इज़राइलियों से कह मैं यहोवा हूं और तुमको मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकालूंगा और उनके दास्तों से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। हालेलुया, उन्हें भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूंगा। उसके बाद पता क्या हुआ, मिस्र देश के ऊपर 10 बड़ी विपत्तियां आई, 10 बड़ी विपत्तियां, उसके बारे में आज सीखेंगे। हालेलुया, हालेलुया पढ़ेंगे। पहले जो परमेश्वर ने किया मूसा के जीवन में पहले वो हम स्टडी करेंगे, उसके बाद जो 10 विपत्तियां आई उसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे और मनन करेंगे। हालेलुया, हम पढ़ेंगे 7वां अध्याय और उसका पहला और दूसरा भाग। तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ और तेरा भाई हारून तेरा नबी ठहरेगा, जो जो आज्ञा मैं तुझको दूं वही तू कहना, और हारून उसे फिरौन से कहेगा जिससे वह इसराइलियों को अपने देश से निकल जाने दे। हालेलुया, जिससे वह इसराइलियों को अपने देश से निकल जाने दे, हालेलुया, यानी कि गुलामी से वो उनको छोड़ दे, गुलाम जिनको गुलाम बनाया उनको आजाद कर दे। हालेलुया, हालेलुया। और यहाँ पे पहली आयत में हमने क्या पढ़ा कि तब यहोवा ने मूसा से कहा, सुन मैं तुझे फिरौन के लिए परमेश्वर सा ठहराता हूँ। हालेलुया, मतलब कि अब मूसा जो भी करेगा जो भी बोलेगा वो सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया, अब मूसा जो जो बोलता जाएगा वो सारे काम होने शुरू हो जाएंगे, सारे काम हो जाएंगे, क्योंकि वो कौन है, वो परमेश्वर का दास है। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मोसेस, वो क्या हो गए, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हुए क्या बन गए, वो परमेश्वर के दास बन गए। और अब परमेश्वर के दास को परमेश्वर ने क्या कहा कि मैं तुझे परमेश्वर सा बना देता हूं, और अब जो जो तू बोलेगा हल्लिया वो सब जो है वैसा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि परमेश्वर क्या जो भी बोलेंगे वो हो जाएगा। वैसे क्या 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 कर दिया, मूसा को परमेश्वर सा बना दिया। हल्लिया, यीशु मसीह के नाम की महिमा, हल्लिया। और उसके बाद क्या हुआ, जो मूसा है वो वहां फिरौन के पास जब गए तो जब परमेश्वर ने कहा कि तू अब जो है मूसा को क्या कहा कि तू फिरौन के पास जा और जो आज्ञा मैंने तेरे को दी है वो तू उनसे बात करना। हालेलुया, हम इसकी पढ़ेंगे 14 आयत से लेकर 21 आयत तक पढ़ेंगे। तब यहोवा ने मूसा से कहा, फिरौन का मन कठोर हो गया है और वह इस प्रजा को जाने नहीं देता, इसलिए सवेरे के समय फिरौन के पास जा, वह तो जल की ओर बाहर आएगा और जो लाठी सर्प बन गई थी उसके हाथ में उसको हाथ में लिए हुए नील नदी के तट पर उससे भेंट करने के लिए खड़े रहना और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें, और अब तक तूने मेरा कहना नहीं माना। यहोवा यूं कहता है, इससे तू जान लेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देख, मैं अपने हाथ की लाठी को नील नदी के जल पर मारूंगा और जल लहू बन जाएगा, और जो मछलियां नील नदी में हैं वे मर जाएंगी, और नील नदी बसाने लगेगी, और नदी का पानी पीने के लिए मिस्रियों का जीना चाहेगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून से कह कि अपनी लाठी लेकर मिस्र देश में जितना जल है अर्थात उसकी नदियां, नहरें, झीलें और पोखरे और सबके ऊपर अपना हाथ बढ़ा के उनका जल लहू बन जाए, और सारे मिस्र देश में काट और पत्थर दोनों भांति के जल पर
जल पात्रों में लहू ही लहू हो जाएगा। तब मूसा और हारून ने यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों को देखते नील नदी के जल पर मारा और नदी का सब जल लहू बन गया और नील नदी में जो मछलियां थी वो मर गई और नदी से दुर्गंध आने लगी और मिस्री लोग नदी का पानी ना पी सके और सारे मिस्र में लहू हो गया। सारे मिस्र में क्या हो गया? लहू हो गया। हल्लेलुया। 2017 में जब हम टूर पे गए थे, हॉलैंड टूर में गए थे, तो वहाँ पे हमने इजिप्ट गए, जिसको मिस्र बोला जाता था पहले, अभी भी बोला जाता है इजिप्ट, और वहाँ पर जो है 75% जो लैंड है वो क्या है, वो बंजर हो चुका है। 75% लैंड जो है वो बंजर हो चुका है। जो 25% लैंड है जो नील नदी के पास जो जो स्थान है वहीं पर लोग रहते हैं, बाकी स्थान जो क्या हो गया अब बंजर हो चुका है, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, उस दंड की वजह से, परमेश्वर के भेजे उस दंड की वजह से वो स्थान क्या हो गया, श्रापित हो गया। अब वहां पे खेती बाड़ी करने के लिए भी वो जगह जो है अब काम नहीं आती। हल्लेलुया। अभी तक वो 75% लैंड जो है, जो स्थान है, जो जमीन है, वो 75% वो क्या हो गई है, वो बंजर हो गई है, वहां पे कोई काम किसी काम की नहीं, सिर्फ रेगिस्तान है या ऊंट पुटारे वहां पे उगे हुए हैं, वहां पे किसी भी काम की वो जमीन नहीं है, और वहां पे 75% जो जगह है वहीं पर लोग रहते हैं मिस्र देश में, इजिप्ट में। हल्लेलुया। और वहां पर जो है नील नदी के पास जो है, जब बाद में जब मूसा ने जो है जब फिरौन के पास जब गए, राजा के पास गए, उनको बोला कि देख मैं सारा जो है पानी क्या कर दूंगा, लहू कर दूंगा, उसके बाद क्या हो गया, वो सारा का सारा मिस्र देश का पानी क्या हो गया, लहू बन गया। अब वो पिएंगे क्या, मिस्र चाहे है तो इंसान ही ना, जानवर तो नहीं है, वो क्या पिएंगे, वो पानी पानी पीकर जीवित रह सकते हैं, अब वो क्या, उनके पास पीने के लिए पानी नहीं है। अब सारे देश के लोग क्या हो गए, परेशान हो गए, वो राजा के पास आके दुहाई देने लगे, हमें बचाओ, हम मर जाएंगे, बिना पानी के मर जाएंगे। और राजा जो है फिरौन जो था वो परेशान हो गया, और उसने क्या किया, मूसा को बोलो कि मेरे पास आए। अब मूसा जब राजा के पास द्वारा आता है तो वहां पर राजा कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी प्रजा को, जितने भी इसराइल लोग हैं उनको मैं छोड़ देता हूँ, तो तुम जो है पहले इसको पानी को द्वारा से ठीक कर दो, द्वारा से जो लहू बन गया इसको द्वारा से साफ पानी कर दो। हल्लेलुया। और जैसे ही मूसा ने बोला कि पानी सारा शुद्ध हो जाए, वो दोबारा से पानी ठीक हो गया। और हर बार जो है जब जब राजा ने जो है ये बात बोली कि ठीक है अब मैं जो है मिस्र के जितने भी लोग हैं उनकी जो है उनको जो है प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए जो है मैं इसराइल के जितने भी लोग हैं, जितने भी हिब्रू लोग हैं उनको मैं छोड़ देता हूँ, इसराइल लोगों को मैं छोड़ देता हूँ। हालेलुया। और बाद में क्या होता था, राजा हर बारी मुकर जाया करता था, बार बार क्या होता था, राजा हर बारी मुकर जाया करता था। उसके बाद मुकर जाने पे क्या होता था, अगली विपत्ति आती थी, परमेश्वर की अगली विपत्ति आती थी। हम पढ़ेंगे इसका 8वां अध्याय, उसकी 8वीं आयत। तब फिरौन ने मूसा और हारून को बुलवा कर कहा, यहोवा से विनती करो कि वह मेंढकों को मुझसे और मेरी प्रजा से दूर करे और मैं इसराइली लोगों को जाने दूंगा, जिससे वे यहोवा के लिए बलिदान करें। हल्लेलुया। अब यहाँ पे राजा जो है दोबारा से परेशान हो गया, क्योंकि अगली जो विपत्ति थी इजिप्ट के ऊपर वो कौन सी आई, मेंढकों का आक्रमण। आप सोचिए यहाँ पर हम सब बैठे हैं और यहाँ पे आपको चारों तरफ सारी सीटों पे और सारी जमीन पे सारे मेंढक ही मेंढक दिखे तो कैसा लगेगा, सोचिए आपके पड़ोसी के सिर पर मेंढक कूद रहे हैं और उनके मुंह से उनके हाथ उनके शरीर से कुछ कुछ चिपका हुआ कुछ लग रहा है आपके साथ। आप वॉशरूम जा रहे हैं वहां पे भी अंदर मेंढक ही मेंढक है। आप किसी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं वहां पे भी मेंढक, किसी फ्रेंड के घर भी जा रहे हैं वहां पे भी मेंढक। क्या जी पाएंगे उस लाइफ को, कितने जन जी पाएंगे,
हाँ वो गुड़िया कह रही है मुझे मेंढक बहुत पसंद है। हालेलुया। टॉयलेट जा रहे हैं वहां पे भी मेंढक, किचन में जा रहे हैं खाना खाने लगे हैं मेंढक, मेंढक उछल के मुंह में। हालेलुया। राजा के जो जहां पर सिंहासन लगा करता था वहां पे सारे कुर्सियों में सारे हर जगह मेंढक ही मेंढक। सोचिए क्या हालत हो रही है। अगर प्रैक्टिकली ऐसा हो बाहर जा रहे हैं अपने स्कूटी, अगर कोई स्कूटी में टू व्हीलर पे है आप अपना सेल्फ लगाते हैं और मेंढक चारों तरफ से सीट पे मेंढक कूद रहे हैं, आप मोबाइल निकालने के लिए जेब में हाथ डालते हो मोबाइल की जगह मेंढक हाथ में आ जाता है, सोचिए क्या हालत होगी। और यहां पर क्या हुआ, ये तो मैं सिर्फ बोल रहा हूं, वहां पे जगह जगह हर जगह क्या हो गया मेंढक ही मेंढक हो गए और पूरी प्रजा क्या हो गई इजिप्ट की परेशान हो गई। जब भी कोई विपत्ति इजिप्ट के ऊपर आती थी तो इजरायली लोगों के ऊपर वो विपत्ति नहीं आती थी। कोई भी परेशानी जब इजिप्ट के ऊपर आती थी तो वहां के कर्मचारियों के ऊपर वहां की प्रजा के ऊपर और जितने भी राजघराने के जो भी जन थे उनके ऊपर वो विपत्ति आती थी, इजरायली लोगों के ऊपर वो विपत्ति नहीं पड़ती थी। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया था, परमेश्वर ने किसको दंड देना था, मिस्र के लोगों को दंड देना था ताकि वो जो है इजरायली लोगों को छोड़ दे। जब परमेश्वर ठान लेंगे कि आपको छुटकारा देना है तो चाहे कुछ भी हो जाए परमेश्वर आपको छुटकारा देकर रहेंगे। समझ रहे हैं ये बात, कितने जन समझ रहे हैं इस बात को। अगर परमेश्वर ने ये बात ठान ली कि आपको छुटकारा देना है तो कुछ भी करके वो आपको छुटकारा मिल जाएगा। अगर परमेश्वर ने ये सोच लिया कि बीमारी दूर होनी है दूर करनी है तो वो बीमारी दूर हो जाएगी। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने सोच लिया कि इसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करनी है तो वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, रास्ते चारों तरफ से खुल जाएंगे। हालेलुया। जब डिम्पी भैया 3 महीने पहले जब चर्च आए तो उन्होंने जो है ये बात बोली, उन्होंने ऐसे ही बोल दी कि हाँ मेरे लिए प्रार्थना करते मेरा बिजनेस अच्छा हो जाए। उस टाइम अभी विश्वास में नहीं आए थे, उन्होंने ऐसे कहा मेरा बिजनेस नहीं चलता। हालेलुया। तो मेरा बिजनेस चलने लगे। प्रार्थना करने के बाद इतने सारे उनको कॉल्स आई, एक हफ्ते बाद इतने परेशान हो गए कि पास्टर जी आप प्रार्थना कर दो ये काम जो है बहुत ज्यादा हो गया थोड़ा कम हो जाए। हालेलुया। मैंने कहा नहीं नहीं आप परमेश्वर ने जो आशीष दिया है उसको संभाल के रखो, प्रार्थना ये करेंगे कि आपको मैनेज करनी आ जाए आशीष, आशीष जो आपको मिली है वो आपको संभालनी आ जाए। कितने जन समझ रहे हैं इस बात को, आपको जो आशीष मिली है वो आप संभाल पाओ उसके लिए परमेश्वर आपको बुद्धि दे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा हो। फिर जो है जो चौथी तीसरी जो विपत्ति आई वो आई जो धांसे होती हैं कुड़कियां, कुड़कियों का झुंड, वो उनका आक्रमण हुआ। जब हम पढ़ते हैं 8:16-19 में पढ़ते हैं तो वहां पे ये हुआ। फिर उसके बाद जो है 9 अध्याय में जो है 1-7 तक हम पढ़ते हैं कि जितने भी उनके घर के जो जानवर थे वो मर गए, सारे मिस्रियों के साथ ही वो विपत्ति रहती थी, इजरायलियों के साथ वो विपत्ति नहीं आती थी। वो किसके साथ होती थी, मिस्रियों के साथ। प्रॉब्लम्स किसको होती थी, प्रॉब्लम्स किसके साथ थी, ऐसे बोल दो मिस्त्रियों के साथ, ऐसे बोल दो मिस्त्री, मिस्त्री है ना वो जो लेबर चौक से लेते हैं, थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा चेंज करके बोलो मिस्त्रियों के साथ, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन में कई बार अटक जाते हैं इंसान, है ना, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। मैंने भी प्रैक्टिस की थी इसलिए बोल पा रहा हूँ, अभी भी प्रैक्टिस करूँ। हालेलुया। तो जितने भी मिस्र के लोग जो थे, इजिप्ट के जो लोग थे, वो क्या हो गए, उनके सारे जानवर जो है वो बीमार होने लगे, मरने लगे। हालेलुया। अब फिर से राजा के पास चौथी विपत्ति, पांचवी विपत्ति पे क्या हो गया, फिर से राजा के पास, पांचवी बार राजा के पास आए, पांचवी बार राजा ने कहा कि तुम जो है ये विपत्ति दूर कर दो और मैं जो है इसराइलियों को छोड़ दूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की
महिमा। फिर छठी प्रॉब्लम आई उसके नौवे अध्याय और आठ से लेकर जब हम बारह तक पढ़ते हैं तो फोड़े निकलने लगी। हल्लेलुया। अब किसी से पूछने की जरूरत नहीं है तू मिस्र का है या तू इजरायली है, जो मिस्र का खड़ा है वो सब फोड़े निकले हुए, सबको फोड़े निकल रहे हैं, फूट रहे हैं। हल्लेलुया। और जितने इजरायली लोग हैं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मस्त है, वो परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। देखो कितना सताया उन्होंने, अब फोड़े निकल रहे हैं, उनको दर्द का पता चल रहा होगा। हल्लेलुया। और फिर से कहते राजा ने कहा कि मूसा को बुलाया जाए, ऐसे करके छठी बार ऐसा हो गया कि मूसा को बुलाया गया। और हर बार जब भी मूसा वहां पे आते थे तो हर बार राजा को कहते थे कि तू जो है इसराइलियों को छोड़ दे ताकि वो परमेश्वर की आराधना करने पाए। दस विपत्ति आई, दस विपत्ति के बाद जब राजा ने बुलाया तो हर बार क्या हुआ, मूसा ने क्या आके बोला कि उन्हें तू छोड़ दे ताकि वो परमेश्वर को बलिदान चढ़ा पाए, परमेश्वर की आराधना कर पाए। परमेश्वर की आराधना, जब परमेश्वर आपको छुड़ाते हैं तो परमेश्वर आपसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आप परमेश्वर की क्या करें, आराधना करें। हल्लेलुया। आपको पता है जब हम सब स्वर्ग में जाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे बताइए, एक फैक्ट्री खोलेंगे वहां पे जैसे धीरूभाई अंबानी ने खोली है ना, नोट छापने की मशीन, नोट छपते जा रहे हैं और पता नहीं कब इस्तेमाल होगा या नहीं होगा उनका, है ना। यहां पे सबसे पहले जाके खेत खरीदेंगे, है ना। कुछ भाई ये सोच रहे होंगे कि वहां पे जाके ना एक बड़ा सा खेत खरीदेंगे, परमेश्वर से बोलेंगे ये खेत मुझे दे दो, आपको सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाला है वहां पे। जो आशीष आप दूसरों की देखते हो ना वो वहां पर फीकी दिखेंगे आपको, जो आप सोचते हो ना इसके पास तो अरबों खरबों रुपए हैं। धीरू भाई अंबानी वो क्या हो गया, पूरे लाइफ क्या हो, पैसे छापने की मशीन बन के रह गए और इतना पैसा कमाया उसके बाद चले गए। अब दोनों बेटों के लिए छोड़ के दोनों बेटे लड़ रहे हैं आपस में, वो वाली फैक्ट्री मेरी है, वो वाला फार्म हाउस मेरा है, है ना, वो वाला बैंक अकाउंट मेरा, वो गोल्ड ज्वेलरी जो रखी है ना गोदाम में, जो सारी गोल्ड ज्वेलरी रखी हुई है वो सारी मेरी है। आपस में लड़ते लड़ते क्या हो गया, अब वो तैयारी कर रहे हैं पैसे नोट छापने की मशीन बनकर रह गए हैं। हल्लेलुया। हमें परमेश्वर की आराधना करनी है क्योंकि अनंत काल के जीवन में हमें वही करना है, स्वर्ग दूतों के साथ क्या करना है, हमें आराधना करनी है। और स्वर्ग में जो है कोई भी अपवित्र जन नहीं जा सकता, हमें पवित्र होना पड़ेगा, अपने पापों की क्षमा मांगनी पड़ेगी, अपने पापों से हमें मन फिराना पड़ेगा, तोबा करनी पड़ेगी परमेश्वर से कि हमने ये पाप छोड़ दिए, वाचा बांधनी पड़ेगी परमेश्वर से कि अब नहीं करेंगे हम ये पाप, ये जो पाप हमने जीवन भर किए हैं ये अब नहीं करेंगे, क्योंकि ये पाप जो है वो शैतान कराना चाहता आपसे, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप नरक में जाओ, आप स्वर्ग में ना जा पाओ, दुष्ट आत्मा चाहती है कि नरक में जाना पड़े सबको। परमेश्वर चाहते हैं कि आप में से कोई भी नाश ना हो, हम में से कोई भी नाश ना हो, परमेश्वर चाहते हैं ऐसा। हल्लेलुया। और सातवीं विपत्ति क्या हुई, जब ये फोड़े जब सबके ठीक हो गए, जब मूसा ने कहा ठीक है सब कुछ ठीक हो जाए, सबके फोड़े फिर से गायब हो गए, मिस्र के लोगों की क्या हो गए एकदम से फोड़े फिर से गायब। उसके बाद अब भी राजा ने क्या कहा, ये तो मेरी निज, ये मेरा निज भाग है, ये जो गुलाम है वो इजिप्ट के क्या है, निज भाग है, हम इनको कैसे छोड़ दें। उसके बाद क्या हुआ, मूसा ने कहा कि अब जो है स्वर्ग से क्या ओले बरसेंगे, आग के ओले बरसेंगे, स्वर्ग से क्या बरसेंगे, आग के ओले बरसेंगे। और उसके बाद क्या हुआ, जिस स्थान पर इजरायली लोग रहते थे वहां पे आग के ओले नहीं बरसे, वो बिल्कुल सब कुछ ठीक ठाक रहा। इजिप्ट के ऊपर इजिप्ट के जितने भी लोग थे, कर्मचारी थे वहां की, जो वहां के जो जन थे उनके सबके ऊपर क्या हुए, ओले बरसे, बहुत सारे लोग मर गए और लगातार ओले बरसते जा रहे। बहुत सारी घृणित मूर्तियां टूट गई ओलों के ऊपर, ओले जब गिरे इजिप्ट की जो मूर्तियां हैं वहां के क्या हुए, बहुत सारे वो
टूट के दब गए, वो डिस्ट्रॉय कर दिया, बहुत सारे घर टूट के क्या हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। हालेलुया। अब राजा फिर परेशान, सातवीं विपत्ति जब ओले बरसे तो क्या हो गया, फिर से राजा परेशान, क्योंकि प्रजा को, अपनी प्रजा को मरते हुए नहीं देख सकता राजा, चाहे जितना मर्जी करप्ट, जितना मर्जी जो है गंदा क्यों ना राजा, लेकिन अपनी प्रजा को मरते हुए नहीं देख सकता। हालेलुया। अब फिर से जो है अपने सैनिकों को भेजकर बुलवाया कि अब मूसा को द्वारा से बुला के लाओ। हालेलुया। और मूसा ने क्या किया कि ठीक है अब तुम जो है इसराइलियों को जाने दो। परमेश्वर ने पहले से ही मूसा को बताया हुआ था कि मैंने जो है फिरौन का हृदय जो है क्या कर दिया, कठोर कर दिया, मैं बड़े बड़े अद्भुत काम दिखाऊंगा, मैं बड़े बड़े अद्भुत काम दिखाऊंगा और उसके बाद छुटकारा दूंगा, मैं दंड दूंगा उनको, मैं उनका हृदय क्या कर रहा हूं, कठोर कर रहा हूं। अगर परमेश्वर के वचन को मानने से, हालेलुया, शैतान आपको रोकना चाहता है तो वो सबसे पहले क्या करता है, आपके हृदय को कठोर करता है। एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, परमेश्वर का जो वचन हमें फॉलो करना है, परमेश्वर के दास दासी, परमेश्वर के जो पवित्र जन है, उनसे सबसे पहले क्या करेगा, वो आपको दूर करना चाहेगा। हालेलुया। जैसे रवि को क्या किया परमेश्वर ने, अगुवाई की कि सोनू भाई से वो बात करे, वो क्या हुआ, कनेक्शन जुड़ गया, रवि रवि क्या होगा, सेव हो गया, उसपे से दंड की आज्ञा नहीं हुई, दंड की आज्ञा चली गई, जुर्माना जो 5,00,000 रुपए जुर्माना देना था वो माफ हो गया। वैसे ही अगर कोई भी जन परमेश्वर के जन से दूर होता है तो शैतान का क्या बनता है, वो शैतान का निवाला बनता है, शैतान उसके जीवन में क्या क्या गड़बड़ी करे, जो बीते दिनों में गड़बड़ियां की थी, जो बीते दिनों में प्रॉब्लम डाली थी, उससे भी बढ़कर 7 गुना ज्यादा, बाइबल में लिखा है, लूका उसका 11वें अध्याय में लिखा है 24-25-26 आयत में कि 7 गुना ज्यादा बड़ी विपत्तियां आती है जब शैतान दोबारा से अटैक करता है, तो 7 गुना ज्यादा विपत्तियां आती है, 7 गुना ज्यादा प्रॉब्लम आती है। अगर एक बीमारी थी तो कितनी बीमारी हो जाएगी, 7। हालेलुया। अगर एक व्यक्ति से झगड़ा था तो 7। ये वचन में लिखा है कि जब एक दुष्टात्मा जाती है तो वो क्या करती है, निर्जन प्रदेश में जाती है, जहां पे कोई सूखे सूखे स्थान पर जाती है, जहां परमेश्वर का काम नहीं है, जहां परमेश्वर काम नहीं करते, उस स्थान पर क्या करती है, भटकती है वो दुष्टात्मा, भटकने क्या करती है, कोई भी उसको मिलता नहीं है कि इसमें वो वास करे, तो क्या करते हैं, मैं उसी उसी के शरीर में वापस चली जाती हूँ, ट्राई करती हूँ कि उसके शरीर में वापस जाऊं। फिर जब वो वापस आती है तो देखती है कि अगर तो प्रोटेक्शन है कि अगर तो वो व्यक्ति चर्च में आ रहा है रेगुलर, तो दुष्टात्मा उस पर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अगर वो व्यक्ति चर्च में आ रहा है, चर्च में वो उसके लिए प्रेयर हो रही है, वो आराधना कर रहा है, परमेश्वर की आराधना कर रहा है आंखें बंद करके, आप में से कुछ जन ऐसे जो आंखें बंद करके आराधना नहीं करते, शैतान चाहता है कि आंखें बंद करके आराधना ना कर पाओ, आप शक्लें देखते रहो, जो शक्लें देखी है वही शक्लें द्वारा देख लो, जो दीवारें देखी है उन्हीं को देखते रहो, जो पंखा देखा है उसी को देखते रहो, आंखें बंद करके आराधना ना कर पाओ, शैतान चाहता है मुंह ना खोल पाओ प्रार्थना करने के लिए, ये शैतान का एक जाल है, शैतान का एक फंदा है कि आप मुंह ना खोल पाओ प्रार्थना करने के लिए। और जब कोई व्यक्ति घर में आराधना करता है तो दुष्ट आत्मा उसको रोकने की कोशिश करती है, तो आप समझ जाना जब दुष्ट आत्मा रोकने की कोशिश कर रही है, इसका मतलब उसको जाना पड़ेगा बहुत जल्दी। हालेलुया। जब दुष्ट आत्माएं किसी को भी आराधना करते रोकने की कोशिश करती है, तो आप समझ जाना कि छुटकारा बहुत नजदीक है, बहुत छुटकारा क्या होने वाला है, बस परमेश्वर छुटकारा देने वाले, चंगाई देने वाले, आशीष देने वाले, उससे पहले शैतान अपनी ताकत लगाता है। जब आपको आशीष मिलने वाली होती है उससे पहले शैतान अपनी ताकत लगाता है कि आपको ना मिल पाए, आप कोई ना कोई गलती कर लो, बड़ी आशीष मिलने से पहले कोई ना कोई गलती कर लो और वो आशीष ना मिल पाए। हालेलुया। एक आंटी जो है जब जलंधर गए बड़ी प्रार्थना में, बड़े अभिषेक की प्रार्थना में वहां पे गए, एक आंटी और एक सिस्टर
पूरे रास्ते बस में गए और वहां पर शैतान ने ऐसा दिमाग में डाला वो वहां से वापस आ गए। कितने जन इस बात को जानते हैं? हालेलुया, नाम नहीं लेना, बैठी है बेटी बैठी है, नाम नहीं लेना। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की। जो बड़ा अभिषेक जो होता है ना उसमें एक पाप से भरा व्यक्ति नहीं आ पाता, रुक नहीं पाता, वो शैतान चाहता है कि उसको ले जाए, वो वापस ले जाए। जब बड़ा अभिषेक कहीं पर होता है तो शैतान क्या करता है, जो ज्यादा डिस्टर्ब होता है दुष्ट आत्माओं या ज्यादा बदलों में जो होता है, शैतान चाहता है कि मैं इसको खींच लूं, मैं इसको क्या करूं अपने पास रखूं, ये मेरा फेवरेट है, मैं अपने फेवरेट को कैसे दूर जाने दूं। और शैतान चाहता है कि वो व्यक्ति लेट आए चर्च, धीरे पहले 5 मिनट था, 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा लेट है, फिर करते 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 संगति से मैं इसको दूर कर दूं। कितने दिन समझ रहे? पता शैतान क्या क्या डालते दिमाग में, अभी तो हम आधा घंटा लेट होते थे, आज 1 घंटा लेट हो गए, चलो आज नहीं जाते। कितने दिन समझ रहे इस पॉइंट को? सर पहले तो हम आधा घंटा लेट होते थे, आज 1 घंटा लेट हो गए, चलो अगली बार चले जाएंगे। फिर अगली बार ही मामा जी आ जाते घर पे, मामा जी के लिए चाय बनानी है, उनको नमस्ते मतलब उनका देखभाल करनी है उनकी, नहीं तो मामा जी नाराज हो जाएंगे। परमेश्वर तो नाराज होते कोई बात नहीं, वो तो पहले भी नाराज ही थे, परमेश्वर नाराज होते हो जाए, मामा जी नाराज नहीं होने चाहिए। कोई रिश्तेदार घर पे आ गया कोई बात नहीं। एक बार ऐसी हुआ, अलीजा मैम ये लगभग 3 साल पहले की बात है, मतलब इन्हीं दिनों की बात है, 3 साल पहले 2016 में ना, तो क्या हुआ अब इनको पता चला कि इनके पापा जो है ठीक होने वाले, उनको पता चल गया क्लियरली, इन्होंने बहुत सारी गवाहियां देखी, जो इनका लेफ्ट पार्ट पैरालाइज था। और क्या हुआ कि वो चर्च में जब प्रेयर में लेकर आए, फिर दोबारा उनको लेकर आना था क्योंकि उनमें इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो गई थी, उनका हाथ पैर चलने शुरू हो गए थे। हालेलुया, अब क्या हुआ, जो मामा जी 5 साल से जिन्होंने शक्ल नहीं दिखाई थी, संडे के दिन आ गए बिना बताए, बिना फोन किए। अब इन्होंने कॉल किया कि मैं ना आज आ नहीं पाऊंगी, तो मैंने फोन काट दिया था, मैंने कहा ठीक है जो नहीं आ रहे कोई बात नहीं। अभी नए नए विश्वासी थे, जैसे जसप्रीत जैस्मीन आई है वैसे उन दिनों की बात रही। अब पता नहीं इनको क्या हुआ, इनको ये हुआ कि मामा जी तो इतने दिन से आए नहीं, परमेश्वर ने देखो काम किया। अब इन्होंने क्या किया, फटाफट से कैब बुलाई, पापा को कैब में बिठाया, फटाफट से ले आए प्रेम में पल लिया, और उनका बहुत जल्दी छुटकारा हुआ यीशु मसीह के नाम में। मम्मी क्या हुआ, मम्मी मामा जी की देखभाल कर रही है, मम्मी घर पे रह गई, हल लिया। लेकिन उनके पापा को लाने के लिए उन्होंने क्या किया, एक इनिशिएटिव लिया कि फट से कैब अपने ओला बुक की, फट से ओला आई और फट से वो उनको लेकर आ गई। और उनके पापा क्या, जो 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 चल नहीं सकते थे, टॉयलेट बाथरूम सब कुछ बेड पे करते थे सब कुछ, उनकी मम्मी बहुत परेशान होती थी, 6.5-6 साल लगभग वो परेशान रहे ऐसे। 1.5 लाख रुपए जो उनके महीने का जो खर्चा होता था वो सब क्या हुआ, वो एक प्रेयर में आने से स्टॉप हो गया। हालेलुया, और उसके बाद क्या हुआ, प्रेयर में आने से क्या हो गया, स्टॉप हो गया। और उसके बाद क्या हुआ, अब वो चलने लगे, अब वो मम्मी के लिए चाय बनाने लगे उठ के, मतलब वो बताते आज तो पापा ने मम्मी के लिए चाय बनाई, आज पापा जो है मार्केट में जाकर सब्जियां लेकर आए चलकर अपने आप अकेले। जिसके साथ बीती होती है ना उसको समझ आती है बात, जिसको सुई चुभी होती है ना उसी को दर्द का एहसास होता है। जो एडवोकेट जो 1.5 लाख रुपए महीना कमाते थे, हालेलुया, और उनकी क्या हो गई, इनकम एक टाइम पे स्टॉप हो गई क्योंकि वो लेफ्ट पार्ट पैरालाइज होकर बेड पर आ गए। और 5-5.5 साल बाद क्या हुआ, दोबारा से वो ठीक हो गए। जो 1.5 लाख रुपए महीने का आता नहीं था, हालेलुया,
अब वो दोबारा से क्या हो गया, वो दोबारा से वो सब नॉर्मल होना शुरू हो गया। हल्लेलुया, अब उनकी आंखों में आंसू देख सकते हो कि कैसे परमेश्वर उनका छुटकारा किया। ये क्या है? खुशी के आंसू है, ठीक है, खुशी के आंसू। हल्लेलुया, यीशु मसीह के नाम की महिमा। हल्लेलुया, अब यहाँ पे फैरौन क्या कर रहे हैं, छोड़ नहीं रहा। अब सातवीं बार जो है मूसा उनके पास आता है, फैरौन के पास, वो बोलता है मेरे लोगों को छोड़ दो ताकि वो परमेश्वर की आराधना कर पाए, वो परमेश्वर की आराधना करने पाए और जगत के लोग जान जाएं कि परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं। ये बार बार 10 बार ये वचन लिखा है, जब 10 विपत्तियां हुई तो 10 बार ये वचन लिखा गया कि वो परमेश्वर की आराधना करें, वो छोड़ दो ताकि वो परमेश्वर की आराधना कर पाए, फ्री हो गए, आजाद हो गए, वो परमेश्वर की आराधना कर पाए। बार बार जो है वो 10 विपत्तियों में 10 बारी वो राजा के पास गए, हर बार ये कहा कि परमेश्वर के तुल्य कोई नहीं है, तुम्हें छोड़ दो, इसराइली को छोड़ दो ताकि वो आजाद होकर परमेश्वर की आराधना कर पाए। हल्लेलुया, अब राजा फिर मुकर गया क्योंकि ओलों की बारिश बंद हो गई। हल्लेलुया, फिर हुआ आठवीं विपत्ति आई, टिड्डियों का आक्रमण। आठवीं विपत्ति में क्या हुआ, टिड्डियों का आक्रमण, सारी जगह टिड्डियां ही टिड्डियां, सारी फसल बर्बाद, खाने पीने की चीजें बर्बाद, सब जगह क्या होगी, टिड्डियां ही टिड्डियां होगी। हल्लेलुया, उसके बाद फिर वही सेम स्टोरी, मूसा राजा के पास बुलाए जाते हैं और जब वो विपत्ति को दूर कर देते हैं मूसा, तो उसके बाद क्या होता है, राजा फिर मुकर जाता है कि मैं नहीं छोड़ रहा। अब नौवीं विपत्ति में क्या हुआ कि 3 दिन तक अंधकार छाया रहा। जब हम इसका निर्गमन 10वां अध्याय 22-23 पढ़ते हैं, फिर पढ़ती जी में निर्गमन 10वां अध्याय 22-23 आए। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और ना कोई अपने स्थान से उठा, परंतु सारे इसराइलियों के घरों में उजियाला रहा। हल्लेलुया, मिस्री लोग जहां जहां थे वहां पे सब क्या हो गया, अंधकार छाया रहा, लेकिन इसराइलियों के घर में कभी भी अंधकार नहीं छाया। हल्लेलुया, उनके लिए कोई भी विपत्ति जो है वो विपत्ति नहीं थी, वो सब नॉर्मल थे। लेकिन जो भी विपत्ति, जो भी प्रॉब्लम आती थी, वो किसके ऊपर आती थी, इजिप्ट के लोगों के ऊपर, मिस्र के लोगों के ऊपर आती थी। हल्लेलुया, और फिर नौवीं बार फिर राजा मुकर गया कि नहीं मैं नहीं छोड़ूंगा। जब वो जो 3 दिन बाद मूसा ने राजा को कहा ठीक है मैं अंधकार को दूर कर रहा हूं, अंधकार चला गया, फिर राजा मुकर गया। हल्लेलुया, अब जो है परमेश्वर ने कहा कि मैं जो है इनके पहलौठों को मार दूंगा, और ये 10वीं विपत्ति है, और अब जो है राजा छोड़ देगा। ये जो है बहुत बड़ी विपत्ति है कि जितने भी परिवार हैं सभी घरों में क्या हो जाएगी, डेथ आएगी। जितने भी फर्स्ट बोर्न है, जितने बड़े बच्चे हैं, पहला बच्चा जो है बड़े बच्चों में से, वो सब सबको परमेश्वर क्या कर देंगे, मार डालेंगे, सबको मार डालेंगे। राजा के पास जाके वार्निंग भी दी कि जितने भी पहले पहलोटे हैं, जितने भी फर्स्ट बोर्न चाइल्ड हैं, वो सब परमेश्वर मार देंगे, उससे पहले या तो तुम आजाद कर दो या फिर इस बड़े विपत्ति को जो है तुम अपने घराने के ऊपर, अपने जो है राज्य के ऊपर आते हुए देखो। राजा नहीं माना, मूसा को पहले से पता था क्योंकि परमेश्वर ने कहा था मैंने इसका हृदय कठोर कर दिया है, मैंने इसका हृदय क्या कर दिया, कठोर कर दिया, तुम्हारी बात मानेगा नहीं। कुछ लोग जो है वो बार बार ठोकर खाते हुए भी नहीं मानते, क्योंकि शैतान ने क्या कर दिया होता है, उनका हृदय कठोर कर दिया होता है, परमेश्वर से दूर कर दिया होता है, वो परमेश्वर के किए हुए उपकारों को, परमेश्वर के किए हुए जो अद्भुत काम है वो भूल जाते हैं। ये शैतान की चाल होती है कि आप परमेश्वर के किए हुए अगम्य कार्य को भूल जाए, ये शैतान की चाल है। भजन संहिता में लिखा है कि यहोवा के किए हुए किसी भी उपकार को ना भूलना। इसीलिए हम बार बार क्या करते हैं, गवाहियां देते हैं, बार बार खड़े होकर गवाहियां देते हैं, बार बार हमें हम उत्साहित होकर आनंदित होकर क्या करते हैं, गवाहियां देते हैं कि परमेश्वर ने ये अद्भुत काम मेरे जीवन में किए। हल्लेलुया, जब मैं भी कभी कोई गवाही बताता हूं तो आपने देखा होगा कि कितनी सारी गवाही तो मैं रिपीट करता हूं, बार बार बताता हूं गवाही को। हल्लेलुया, उन्हीं गवाहियों को बार बार बताता हूं ताकि शैतान जो है उस
अद्भुत काम को जो परमेश्वर ने मेरे जीवन में किया था उसको मैं ना भूल दूं, मैं अपने पास को ना भूल दूं कि मैं क्या था। मेरे परिवार में इतना झगड़ा क्लेश आता था, आए दिन पुलिस रह, लड़ाई झगड़ा रहना, आए दिन सिर फटने, आपस में सबके सिर फटने, आपस में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहनी, बीमारियां, नशे के बंधन, व्यभिचार परिवारों में, गंदे गंदे काम, फालतू की बातें, वो सब परिवार में होनी। क्यों होनी? क्योंकि दुष्ट आत्मा ने वो सब एक जाल बिछाया होता कि वो सब काम करें और नाश हो जाए, परमेश्वर तक ना पहुंच पाए, वो सब व्यर्थ के काम करें और नाश हो जाए और परमेश्वर तक ना पहुंच पाए। हालेलुया। और उसके बाद जब परमेश्वर ने एक अद्भुत काम किया, मम्मी में जो है 15 साल पुरानी दुष्ट आत्मा थी। मैं कई जगह मम्मी के साथ गया हूँ, कई कई जगह मम्मी के साथ मैं गया हूँ, बहुत छोटी सी एज में, कभी भी वो कहीं पे ठीक नहीं होते थे। हालेलुया। और उसके बाद क्या हुआ, एक घर में जहां पर यीशु मसीह के नाम से प्रेयर होती, वहां पर मम्मी आई उनकी फ्रेंड के घर पे, उनके लिए प्रेयर हुई और वो दुष्ट आत्मा 15-20 मिनट प्रेयर की हुई, दुष्ट आत्मा भाग गई। हालेलुया। एक बंधन टूटा। हालेलुया। और मम्मी को ऐसा लगा प्रेयर के बाद कि 50 किलो का वजन उनकी छाती से उठा दिया किसी ने, जो कोई नहीं कर सका था, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने में वो आशीष मिल गई, परमेश्वर से प्रार्थना करने में वो बड़ा छुटकारा हो गया। और उसके बाद तो लाइन लगती चली गई, छुटकारा एक के बाद एक छुटकारा, लड़ाई झगड़े खत्म, फाइनेंशियल प्रॉब्लम खत्म, बीमारियां खत्म, दुष्ट आत्मा घर से खत्म, बढ़ोतरी होती गई, चली बढ़ोतरी में बढ़ोतरी लगातार होनी शुरू हो गई। हालेलुया। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स आनी शुरू हो गई, परमेश्वर ने डे बाय डे इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया कि अब इतने सारे लोगों के लिए प्रेयर करते हैं, उनकी गवाहियां बनती है। हालेलुया। जो मेरे साथ हुआ, परमेश्वर की योजना वही है आपके लिए, परमेश्वर की सेवा के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर ने आप सबको चुना है। हालेलुया। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी आप आशीष ले सकते हो परमेश्वर से, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने परमेश्वर के वचन को आप ग्रहण करते हो, कितना परमेश्वर के वचन को आप जो है मनन करते हो, उस पर चलते हो, और उतनी आशीष आपकी है, अनलिमिटेड आशीष है। अगर ये परमेश्वर के वचन में जो है, आप इसको अगर आप मनन कर लोगे, इस परमेश्वर के वचन को, बाइबल को अगर आप स्टडी कर लोगे, रीड कर लोगे, उस पर चल लोगे, कोई बात नहीं समझ आती है, आपको सिखाने के लिए है यहाँ पे लीडर्स हैं, सीनियर वॉलंटियर्स हैं। हालेलुया। परमेश्वर के दास दासी हैं और आपको सिखाने के लिए बहुत सारे परमेश्वर के जन यहाँ पर हैं। हालेलुया। आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होता तो मुझे भी आप डायरेक्ट बात कर सकते हो उससे। हालेलुया। लेकिन आपकी ब्लेसिंग जो है परमेश्वर के वचन से गारंटीड आती है, अगर आपने उसको स्टडी कर लिया, उस पर चल लिया तो। लेकिन शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को ना स्टडी कर पाओ, ना उस पर चल पाओ, क्योंकि शैतान चाहता है कि आप उसके साथ नरक में जाओ। हालेलुया। पढ़ेंगे निर्गमन 11वां अध्याय, उसकी 12 से लेकर पढ़िए, 12 से पढ़िए, चैप्टर 11 वर्स 12 और वर्स। ग्यारह अध्याय 12वीं आयत से, ग्यारह अध्याय अच्छा पहले आयत से पढ़ो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, एक और विपत्ति में फिरौन और मिस्र देश पर डालता हूँ, उसके पश्चात वह तुम लोगों को वहां से जाने देगा, और जब वह जाने देगा तब तुम सबों को निश्चय निकाल देगा। मेरी प्रजा को मेरी यह आज्ञा सुना कि एक एक पुरुष अपने अपने पड़ोसी और एक एक स्त्री अपनी पड़ोसन से सोने चांदी के गहने मांग ले,
तब यहोवा ने मिस्रियों को अपने प्रजा पर दयालु किया, इसके अतिरिक्त वह पुरुष मूसा मिस्र देश में फिरौन के कर्मचारियों और साधारण लोगों की दृष्टि में अति महान था। फिर मूसा ने कहा, यहोवा इस प्रकार कहता है, आधी रात के लगभग मैं मिस्र देश के बीच में होकर चलूंगा, तब मिस्र में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाले दासी तक के पहलौटे, वरन पशुओं तक के सब पहलौटे मर जाएंगे और सारे मिस्र देश में बड़ा हाहाकार मचेगा, यहाँ तक कि उसके समान ना तो कभी हुआ और ना होगा। पर इसराइलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य क्या पशु किसी पर कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि मिस्रियों और इसराइलियों में यहोवा अंतर करता है। तब तेरे ये सब कर्मचारी मेरे पास आ मुझे दंडवत करके कहेंगे, अपने सब अनुचरों समेत निकल जा और उसके पश्चात मैं निकल जाऊंगा। ये कह मूसा बड़े क्रोध में फिरौन के पास से निकल गया। यहोवा ने मूसा से कह दिया था, फिरौन तुम्हारी ना सुनेगा, क्योंकि मेरी इच्छा है कि मिस्र देश में बहुत से चमत्कार करूं। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की महिमा। हालेलुया, अगर परमेश्वर चाहते तो एक ही विपत्ति में परमेश्वर क्या कर सकते थे, फिरौन के हृदय को बदल देते और क्या होता, इजरायली आराम से निकल जाते वहां से। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते थे कि वहां पे मैं चिन्हों को चमत्कारों को दिखाऊं, ताकि जिस प्रजा को मैं छुड़ा रहा हूं उनको वो बातें याद रहे, उनको वो बड़े बड़े अद्भुत चमत्कार जो है स्मरण हो और परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की स्तुति हो, आराधना हो। हल्लुया हल्लुया। और उसके बाद क्या हुआ, मिस्र के राजा ने क्या किया, जब सारे पहलौठे मर गए, सारे पहलौठे जब हर घर में क्या होगी, डेथ, हर घर में क्या होगी, मिस्र के हर घर में डेथ होती है। मान लीजिए किसी के घर में डेथ होती है तो आस पड़ोस के लोग रिश्तेदार वहां पे आते हैं, है ना। और उसके बाद क्या होता है, अपनी सहानुभूति अपने जो है सिंपथी वो दिखाते हैं। हल्लेलुया। अब जब सब घरों में डेथ है तो कौन सा पड़ोसी किसके घर में जाएगा। हल्लेलुया। एक अर्थी को क्या, चार कंधे चाहिए ना एक अर्थी को। अब वहां पे हर घर में डेथ हो तो कहां से आएंगे चार कंधे। मान लीजिए किसी परिवार में तीन जने हैं और एक की डेथ होगी, अब दो जने रह गए, हर घर में डेथ। हल्लेलुया। और वहां पर क्या हुआ, और मिस्र में ही सारी डेथ हुई, सारे के सारे इसराइलों के बीच में कोई भी डेथ नहीं हुई। कहां पर डेथ हुई, मिस्र के इजिप्ट के लोगों में सारे परिवारों में डेथ हुई। क्यों, क्योंकि परमेश्वर की ये वचन था कि मैं जो है इन्हें बड़ा दंड दूंगा और बड़ा दंड देकर तुम्हें छुड़ाऊंगा। वार्निंग दी गई थी कि छोड़ दो, नहीं तो ये विपत्ति आएगी, ओले गिरेंगे, मेंढकों का आक्रमण होगा, टिड्डियों का आक्रमण होगा, अंधकार छाया रहेगा। हल्लेलुया। पहलौठों की मौत होगी, सब कुछ पहले मूसा ने बताया लेकिन राजा ने बात नहीं मानी। हल्लेलुया। और अब जब परमेश्वर ने कहा कि अब जो है वो छोड़ देगा, दसवीं पत्ती जो पहलौठों की जब मृत्यु होगी तो वो सारे मिस्र के लोगों में जब मातम होगा तो राजा कहेंगे तुम जो श्रापित लोग हो मेरी प्रजा से दूर हो जाओ। हल्लेलुया। और जितना भी तुम धन दौलत लेके जाना चाहते हो ले जाओ, जाओ यहां से। हल्लेलुया। और तब जो है वो सब जो है हम पढ़ते पांचवे अध्याय से लेकर निर्गमन पांचवे अध्याय से लेकर चौदहवे अध्याय तक हम इसको पढ़ते हैं। और चौदहवा अध्याय आते थे क्या होता है, वो लाल समुद्र के पास पहुंचते हैं। लाल समुद्र के पास जब वो पहुंच जाते हैं, अब आगे समुद्र है, जाने का कोई रास्ता नहीं है, और पीछे से फिरौन क्या करता है, अपनी सेना को भेज देता है कि सबको मार डालो, अब ये हमारी सीमा से दूर हो गए हैं, अब इनको वही मार डालो। वो पीछे सेना लेके आते हैं
और सारे के सारे मूसा को ताना मारने लग जाते हैं कि तू हमें मरने के लिए ले आया है। हल्लेलुया। देखिए इसराइलियों का विश्वास, जो बड़ी अद्भुत बातें हुई। हल्लेलुया, क्या हो गया? हाथ खींचना पंचुल। हल्लेलुया। जब दस विपत्ति आई कि इसराइलियों को छुड़ाया जाए, हल्लेलुया, वो बातें भूल गए। अब मूसा को ताना मार रहे हैं कि 20 लाख इसराइलियों को तुम जो है मरने के लिए ले आए हो, क्या हम डूब कर मरे समुद्र में या फिरौन की सेना में मार दे, कैसे मरे? अब वहां पर मूसा जो है पॉजिटिव बोल रहे हैं कि अब जो है तुम इजिप्ट के लोगों में से किसी को नहीं देखोगे, जो भी आ रहे हैं किसी को नहीं देखोगे, आज तुम परमेश्वर के बड़े उद्धार को देखोगे अपने जीवन में। हल्लेलुया। और मूसा ने क्या किया, उस लाठी को समुद्र में मारा और समुद्र दो भाग हो गया। हल्लेलुया। समुद्र क्या हो गया? दो भाग हो गया। अब सोचिए ये यमुना है ना, अगर इसको दो भाग करना हो तो सबसे पहले तो हमें वो देखना होगा कि एक तो समर में जो विंटर्स में हमें जो है आना पड़ेगा कि पानी कम होता है तो, और वो समुद्र की गहराई कितनी होती है। समुद्र में मूसा ने क्या किया, एक लाठी को मारा और समुद्र दो भाग, इधर पानी इधर खड़ा हो गया और इधर खड़ा हो गया, बीच में सूखी भूमि निकल गई और 20 लाख इजराइल क्या कर रहे हैं, चलते जा रहे हैं आराम से। क्रॉस करने में पता नहीं कितने घंटे कितने दिन लगे होंगे उसको क्रॉस करने में, और पानी तब तक वो खड़ा रहा, पानी बीच में सूखा रास्ता निकल आया। और यहां से मिस्र की जो सेना है, परमेश्वर ने एक आग का खंभा बना दिया, उसको रोके रखा मिस्र की सेना को। और जैसे ही अब ये क्रॉस करते करते काफी आगे पहुंच गए तो वहां पे आग का खंभा जो है परमेश्वर ने क्या कर दिया, हटा दिया। और उसके बाद क्या हुआ, अभी भी उनको मिस्र के लोगों को समझ नहीं आ रहा कि परमेश्वर उनके साथ है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर उनके साथ है। सोचिए शैतान ने कितना हटीला बना दिया उनको, अभी भी वो अटैक करना चाहते हैं। और अब उन्होंने अटैक किया, 2,46,000 जो ट्रूप्स थे वो सब मर गए समुद्र के अंदर। जैसे ये क्रॉस कर रहे हैं सब इजरायली, 20 लाख इजरायली निकल गए, और ये जब सैनिक उस रास्ते से आ गए तो सारा का सारा पानी वापस आ गया, सब मर गए। ये 3200 साल पहले की ये घटना है और अभी भी उनके अवशेष पाए जाते हैं उसके अंदर, समुद्र के अंदर उनके जो भाले रथ के जो हड्डियां हैं घोड़ों की मनुष्यों के, सब अभी भी अवशेष पाए जाते हैं, मुकुट उनके अभी भी, वो अवशेष जो है समुद्र के अंदर 3200 साल पहले जो घटना घटी अभी भी वो अवशेष लाल समुद्र में पाए जाते हैं। हल्लेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको छुटकारा देना है तो वो देकर ही रहेंगे, कुछ भी हो जाए, जितना मर्जी आपके दुश्मन का नुकसान करना पड़े। आप पॉइंट समझ रहे, या तो दुश्मन अपना नुकसान उठाएगा नहीं तो वो आपको छोड़ दे। और यहां पे हम दुष्ट आत्मा की बात कर रहे हैं। हल्लेलुया। आप नेक्स्ट टाइम जब आओगे प्रार्थना में, आपने निर्गमन 5वां अध्याय और 14वें अध्याय तक पढ़ना है, 5वें अध्याय से लेकर 14वें अध्याय तक पढ़ना, पूरा आपको क्लियर स्टोरी द्वारा समझ आ जाएगी। जो भी रेफरेंसेस मैंने बताए जो भी, वो सब जो है निर्गमन 5वें अध्याय से लेकर 14वें अध्याय तक, उसमें सारी बातें हैं। हल्लेलुया। यीशु मसीह के नाम की महिमा। हल्लेलुया। थैंक यू जीसस। हल्लेलुया। कितने जन आज चाहते हैं कि उनके जीवन में उनके परिवार में छुटकारे हैं। हल्लेलुया। वो सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से, वो सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर कर सकते हैं यीशु मसीह के नाम से। हल्लेलुया। अगर आप बुद्धिमान हैं, अगर आप समझ चुके हैं, अगर आप इजिप्ट के लोगों के जैसे आपकी बुद्धि नहीं है, शैतान ने हठीला नहीं बनाया, तो आज आप आशीष रिसीव करेंगे। आज आप बड़ी ब्लेसिंग को, बड़ी गुड न्यूज को रिसीव करेंगे। आज आज रिसीव करेंगे। देखिए कितनी सारी गवाहियां थी, हमने नहीं ली अभी, और गवाहियां थी लेकिन नहीं ली। क्या वो गवाहियां बहुमूल्य नहीं है? वो गवाहियां भी बहुमूल्य है। हल्लेलुया। लेकिन गवाहियां बहुत सारी होती है। हल्लेलुया। आपको अपनी गवाही को तैयार करके आना है। आपको एक मिनट बोलने का मौका दिया जाएगा आपको गवाही के लिए, और आपको तैयारी के साथ आना है। हल्लेलुया। कितने जन तैयार हैं आज
छुटकारे को, आशीष को लेने के लिए, चंगाई को लेने के लिए। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया। और यीशु मसीह को अपने आप धोकर शुद्ध कर दो, हिम जैसा श्वेत कर दो। हालेलुया, बोलिए पांच बारी, बोलिए, बोले पांच बारी, हालेलुया। मेरे लहू जैसे लाल पापों को आप धोकर शुद्ध कर दो अपने पवित्र लहू से, और हिम जैसा श्वेत कर दो। हालेलुया, आगे ले जाएंगे थोड़ा थोड़ा। मेरे लहू जैसे लाल पापों को आप धोकर शुद्ध कर दो अपने पवित्र लहू से, और हिम जैसा श्वेत कर दो कि मैं स्वर्ग स्थानों में पहुंच पाऊं, कि मैं स्वर्ग स्थानों में पहुंच पाऊं, कि मैं स्वर्ग स्थानों में पहुंच पाऊं। कोई भी अंधकार की शक्ति, कोई भी दुष्ट आत्मा मेरे जीवन में काम न करने से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। कोई भी अंधकार की शक्ति मेरे परिवार में, मेरी कलीसिया में काम न करने से। आंखों को बंद करके मुंह को खोलिए, प्रार्थना करें, प्रार्थना कीजिए, मुंह को खोलिए। शैतान चाहता है कि आप मुंह बंद रखें, आप मुंह बंद रखेंगे तो आप प्रार्थना नहीं कर पाएंगे, छुटकारा नहीं हो पाएगा। मुंह खोल के प्रार्थना कीजिए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। यस लॉर्ड, छूलो को हम सबको, छूलो को हम सबको, हम सबको छूलो को बोलिए। थैंक यू जीसस।